इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेडर्स कॉमर्स इंडस्ट्रीज का एक बहुत बड़ा नाम है। हजरत खुदाम हाज उमरा सर्विस के जो ये ऑनर भी है जिनको इसी नाम से जाना जाता है, जनाब ये साबिका ये सदर भी रह चुके हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के, जनाब शेख आशिक साहब, हम तहे दिल से इनका अवामी इत्तेहाद पार्टी में वेलकम करते हैं। मैं इंजीनियर रशीद साहब जो पार्लियामेंट मेंबर और हमारे सुप्रीमो इस वक्त तिहाड़ जेल में है, उनकी तरफ से और पूरे अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से करना से लेकर कठुआ तक जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, कोलीग्स हैं, हम वर्कर्स नहीं कहते, हम कोलीग्स कहते हैं, जितने भी हमारे कोलीग्स हैं, लीडर्स हैं, उनकी तरफ से शेख आशिक साहब को आज अवामी इत्तेहाद पार्टी में फॉर्मली ज्वाइन करने में उनको खैर मकदम करता हूँ। मैं आशिक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपके साथ थोड़ा बहुत बात करें। जी आशिक, अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन। जो आज इज्जत इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी ने हमें दिया है और पिछले 10-15 दिन से हमारी बातचीत चल रही थी उनके सीनियर लीडरशिप के साथ और आज इस कंक्लूजन पे हम आए कि हमारे पास एक ही ऑप्शन इज लेफ्ट विद अस, दैट इज इंजीनियर रशीद। अब आप पूछेंगे कि इसमें आपने यही एक कंसिडर क्यों किया, तो मुझे एक पुख्ता यकीन है इंशाल्लाह कि इंजीनियर रशीद साहब की ये जो पार्टी है ये पूरे कश्मीर को यूनाइट करेगा और एक प्लेटफॉर्म देगा आपसे मैं और लोगों से। पूरा संजीदगी से बोल रहा हूँ कि अगर हमें एक प्लेटफॉर्म देना है, एक मैंडेट देना है, वो इंजीनियर रशीद साहब को देना है। जो झुकता नहीं है, जो बिकता नहीं है, उसके साथ उठने में हमारा फख्र होगा और इंशाल्लाह यकीन करेंगे द वे वी हैव सर्व कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे ट्रेड को सर्व किया है, पूरे लोगों को पता है कि हम कैसे काम करते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा हम अब पूरा वेलफेयर ऑफ द पीपल करेंगे, जो भी आम लोगों के लिए काम करेंगे, फैलो फलावा बहबूद के लिए। हमारा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो जो होगा वो हमारा जी लोगों की खिदमत होगी, लोगों का ऑनर डिग्निटी, जहां पे भी कोई कंप्रोमाइज किया होगा वो हम वापस लाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसमें कोई भी दो राह नहीं होगा। ये सारी बातें हमने की है और लास्टली हम इस पे आगे कि आप फाइनली हमने डिसाइड किया कि आप ज्वाइन करने का टाइम आ गया, लोगों के सर्व करने का टाइम आया। जिस तरीके से नॉर्थ कश्मीर ने 5 लाख से ज्यादा आप देखे 5 लाख तक दिलों में रहते हैं रशीद साहब जिन्होंने उनको वोट किया एंड इज ए जेड लीडर टुडे, और 5 लाख को हमने 10 गुना करना है, ये 50 लोगों से 50 लाख लोगों के दिलों में बसाना हमारा जॉब रहेगा। और ये बात नॉर्थ से सेंट्रल कश्मीर से लेके साउथ कश्मीर लोगों का अब जिम्मेदारी है इस मैंडेट को, इस इंजीनियर रशीद की आवाज को बुलंद करें और इस इतनी बुलंद करें ताकि एक प्रॉपर मैंडेट आ जाए, ताकि हम यूनाइटेड कश्मीर को आगे आ जाएं। लोगों के जो भी मुश्किलात है, क्राइसिस है, अब आप देखें क्राइसिस के टाइम पे एक आग जब लगती है, वारदातें होती है, तो आप दाएं बाएं नहीं देखते हैं। हमारे लिए इसमें बेहतर टाइम पॉलिटिक्स में आने से कोई और नहीं हो सकता है। इट्स ए टाइम ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस एंड दिस इज द राइट टाइम वेयर वी कैन सर्व अवर पीपल। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी कश्मीरी आवाम जो है वो मतलब पूरे उसमें कोई दो राह नहीं है कि उनको पता है कि किन मुश्किलातों से वो गए हैं और इंशाल्लाह ये प्लेटफॉर्म पूरा सर्व करेगी और जो भी कुछ कमियां पीछी रहेंगी जो भी है वो सारी दूर करेंगे। और हमें पूरा यकीन है एक एक माँ एक एक बेटी जिन्होंने तरसा है कि हम सेल जिस तरह इंजीनियर रशीद साहब के घर हम गए और देखा कि हमारे पास कितने लोग हैं जो जिस तरह इंजीनियर रशीद की फैमिली सफर कर रहे हैं, ये सिर्फ इंजीनियर रशीद के साथ उधर ही नहीं ठहरेगा, एक एक जो हमारा इनोसेंट लोग पड़े हैं जेल में डिफरेंट एक्ट्स में है, एक एक के लिए हम कोशिश करेंगे कि जेल फ्री कश्मीर को बनाएंगे। हम हर एक कश्मीरी की आवाज बनाएंगे जिनकी आवाज दबी हुई है,
तो इंशाल्लाह आप लोगों का ताउन चाहिए। हम पार्टी के लिए काम करने के लिए निकले हैं और लोगों के सर्विस के लिए निकले हैं, खिदमत के लिए निकले हैं, और इसमें कोई दोराहा नहीं है। ये वो पार्टी है जिनका कोई कैडर नहीं है, जिनका कैडर एक आम कश्मीरी है, और इस आम कश्मीरी के कैडर को मैं अपील करूंगा कि घर घर जाके इंजीनियर को इतना मकबूल करिए कि प्रॉपर एक ही मैंडेट मिले कि इंजीनियर रशीद साहब को हमने जितवाना है, जो कभी झुका नहीं है, जिन्होंने कोई कंप्रोमाइज अभी तक नहीं किया है, और ही डिजर्व्स ऑल सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।